Hello friends, good evening. I am Naval and you are watching Manav Future Fund channel. Friends, आज मैं आपके लिए synthesis का second chapter लाया हूँ जो कि आपको बिल्कुल starting से last तक देखना है. Friends, इसके first वाले chapter में आपके लिए synthesis क्या होता है ये बताया था, synthesis के कितने भाग होते हैं ये बताए थे, और उसमें उसके साथ मैंने आपको ये बताया था कि उस सिंपल सेंटेंस होता है उससे कितने पार्ट होते हैं यानी कितने भाग होते हैं. तो फ्रेंड्स, आपको उन्हीं में से पहला वाला पार्ट करा रहा हूँ, वो है पार्टिसिपल. क्या है फ्रेंड्स? पार्टिसिपल. तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इस इंटरेस्टिंग वीडियो को. देखिए, पार्टिसिपल्स को हिंदी में बोलते हैं कृदंतियाँ. क्या बोलते हैं? कृदंतियाँ. ये तीन प्रकार के होते हैं. कितने प्रकार के? तीन प्रकार के. पार्टिसिपल्स का जो हिंदी मत होता है वो क्या होता है? कृदंतियाँ. ये कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के. पहला कौन सा है? प्रेजेंट पार्टिसिपल, सेकंड पास्ट पार्टिसिपल, और थर्ड परफेक्ट पार्टिसिपल. फर्स्ट क्या बताया था? प्रेजेंट पार्टिसिपल, सेकंड पास्ट पार्टिसिपल, और थर्ड परफेक्ट पार्टिसिपल. क्लियर फ्रेंड्स? आगे मैं आपको सबसे पहले करा रहा हूँ प्रेजेंट पार्टिसिपल होता क्या है. देखिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है. यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाना पड़ेगा? आईएनजी लगाने पर क्या बनता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है, जिसका हिंदी अर्थ कर या करके होता है. क्या होता है? कर या करके होता है. इसमें पहले वाक्य का परिणाम यानी जो रिजल्ट होता है दूसरे वाक्य पर निर्भर होता है. यानी पहले वाक्य का परिणाम दूसरे वाक्य पर निर्भर होगा, डिपेंड होगा, या दो कार्य साथ साथ चलते हैं देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल, टर्न टू द राइट यानी सीधे मोड़ो, यू विल रीच द स्कूल, तुम स्कूल पहुंच जाओगे. अब आप ये बताइए, जैसे बंदा सीधे मुड़ेगा और स्कूल भी पहुंच जाएगा, तो दोनों काम कैसे हो रहे हैं? साथ साथ. जब दोनों काम साथ साथ होंगे तो कौन सा सेंटेंस हो जाएगा? वो प्रेजेंट पार्टिसिपल. तो सबसे पहले क्या लगाना आपको? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी. तो टर्न लगा, टर्न, तो टर्न में क्या हो जाएगा? आईएनजी, टर्निंग. ये लिखने के बाद टू राइट, यहां फुल स्टॉप लगा, यहां लगाना पड़ेगा आपको कॉमा, यू विल रीच द स्कूल. क्लियर फ्रेंड्स? क्या बताया था आपको? प्रेजेंट पार्टिसिपल की जब बनाना हो तो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं, और जब इसका हिंदी मर्ज निकलता है उसका निकलता है कर या करके. कैसे निकलेगा? सीधे मुड़ करके, अब आईएनजी लगा दिया, सीधे मुड़ करके तुम स्कूल पहुंच जाओगे, सीधे मुड़ करके तुम स्कूल पहुंच जाओगे. अब सीधे मुड़ करके, अब करके आ गया, जिसमें कर या करके आता है वो कौन सा सेंटेंस होता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल सेंटेंस. क्लियर हो गया फ्रेंड्स? चलिए फ्रेंड्स, आगे देखिए, एक एग्जांपल और देख लीजिए आप. जैसे लिखा, आई सॉ अ बॉल, यानी मैंने एक बॉल को देखा, या मैंने एक बॉल देखी, या मैंने एक गेंद देखी. आई पिक्ड इट अप, और मैंने उसे उठा लिया. मैंने आपको क्या बताया था? प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या होता है? क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में पहले बात तो आपको आईएनजी लगाना है, फिर उसके बाद जब उसका जो हिंदी मर्द होगा वो होगा कर या करके. फिर एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर होता है यानी डिपेंड होता है. ये क्या कह रहा है? आई सॉ ए बॉल, यानी मैंने एक बॉल देखी. आई पिक्ड इट अप, मैंने उसे उठा लिया. अगर वो बॉल देखता नहीं, अगर मैं बॉल देखता नहीं तो उठा लेता नहीं, उठा पाता ना. तो एक काम
दूसरे काम पर निर्भर है, यानी जब एक कार्य दूसरे कार्य पर निर्भर होता है तो कौन सा सेंटेंस होता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल सेंटेंस। तो फ्रेंड्स यहाँ पे दो सब्जेक्ट हैं, एक ये सब्जेक्ट लिया है फर्स्ट वाले सेंटेंस में और सेकंड वाले में। फिर आइए, जब दो सब्जेक्ट एक जैसे होते हैं तो पहले वाले को हटा देते हैं, तो यहाँ से पहले हट जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आइए लगा दें केवल, तो सौ की फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी? सींग आ बॉल, उसके बाद कॉमा आई पिक्ड इट अप, इस तरह से होगा। यानी एक बॉल को देख करके मैंने उसे उठा लिया, तो जिसका हिंदी मत कर या करके निकले, कर या करके, वो होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। मैंने अभी आपको पीछे बताया था, एक बार मैं आपके लिए दोबारा रिवीजन कर दे रहा हूँ। प्रेजेंट पार्टिसिपल वो होता है क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है, जिसका हिंदी मत कर या करके होता है। इसमें एक वाक्य का परिणाम यानी रिजल्ट दूसरे वाक्य पर निर्भर होता है, या दोनों कार्य साथ साथ चलते हैं। क्लियर हो गया फ्रेंड्स? आगे देखिए, पास्ट पार्टिसिपल। अब पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है देखिए, उसको पास्ट पार्टिसिपल सेंटेंस को किस तरह से करते हैं? क्रिया की थर्ड फॉर्म जोड़ने से, क्रिया की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म जोड़ने से पास्ट पार्टिसिपल बनता है, क्रिया की थर्ड फॉर्म जोड़ने से पास्ट पार्टिसिपल बनता है, जिसका हिंदी मर्द हुआ हुई हुए निकलता है। इसमें पहले वाक्य में एक कार्य बिल्कुल समाप्त हो जाता है, इसमें जो पहला वाक्य में जो कार्य होगा वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, तथा दूसरा वाक्य केवल उसका कारण बताता है। क्लियर फ्रेंड्स? देखिए, जैसे मोहन सर्च्ड हिज पेन, मोहन ने अपना पेन ढूंढा, इट वॉज लॉस्ट, चोक हो गया था। अब देखिए, मोहन ने अपना पेन ढूंढा या खोजा, तो इसमें जो पहला जो सेंटेंस है वो हो गया ख़त्म, फिनिश हो गया, कंप्लीट हो गया। लेकिन सेकंड में क्या कहता है? इट वॉज लॉस्ट, वो कैसा हो गया था? खो गया था। जो किसके बारे में विशेषता बता रहा है? पेन के बारे में। भाई ये पेन के बारे में बता रहा है, तो जिसका हिंदी मर्द हुआ हुई हुए करके निकलता है वो होता है पास्ट पार्टिसिपल। देखिए ऐसे करते हैं, इसे सबसे पहले आएगा मोहन, उसके बाद आएगा सरज्ड, ठीक है, हिज लॉस्ट पेन। तो आपकी कौन सी फॉर्म लगानी है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो लॉस्ट की सेकंड थर्ड फॉर्म क्या होती है? लॉस्ट होती है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा ली हमने। तो सबसे पहले हमें लगाना मोहन सर्च्ड हिज लॉस्ट पेन, ये। अब इसकी जो हिंदी अर्थ आई वो क्या आई? मोहन ने अपना खोआ हुआ पेन ढूंढा, खोआ हुआ हुआ करके आ गया, मोहन ने अपने खोए हुए पेन को ढूंढा, अब हुए भी आ गया, तो मोहन ने अपनी खोई हुई कलम ढूंढी, हुई भी आ गया। तो जिसका हिंदी मर्थ हुआ हुई हुए करके निकलता है उसको बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। इसमें क्या होता है? एक वाक्य बिल्कुल समाप्त हो जाता है, जैसे मोहन ने अपना पेन ढूंढा, ये तो वाक्य यहीं पर समाप्त हो गया। इट वॉज लॉस्ट, ये इसका कारण बता रहा है, वह खो गया था। तो मोहन सर्च्ड हिज लॉस्ट पेन। क्लियर हो गया फ्रेंड्स? आगे देखिए फ्रेंड्स, अब अभी मैंने आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल कराए, ये लास्ट है परफेक्ट पार्टिसिपल। अब परफेक्ट पार्टिसिपल सेंटेंस को किस तरह से बनाते हैं देखिए, क्रिया की थर्ड फॉर्म के साथ हैविंग लगाने से, क्रिया की थर्ड फॉर्म के साथ हैविंग लगाने से परफेक्ट पार्टिसिपल बनता है, क्रिया की थर्ड फॉर्म के साथ हैविंग लगाने से परफेक्ट पार्टिसिपल बनता है, जिसका हिंदी मर्थ कर या करके होता है। क्या होता है? कर या करके। इसमें पहले वाक्य में एक कार्य समाप्त हो जाता है तथा दूसरे वाक्य में एक कार्य शुरू होता है, यानी इसमें पहले सेंटेंस में जो कार्य होगा वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगा और दूसरा कार्य स्टार्ट होगा, ठीक है। देखिए जैसे
आई रोट अ लेटर, मैंने एक पत्र लिखा। अब यहाँ वाक्य यहाँ पर समाप्त हो गया। आई पोस्टेड इट, मैंने उसे पोस्ट किया, ये यहाँ से शुरू हुआ है। जब इस तरह का कोई सेंटेंस होगा तो वो होगा परफेक्ट पार्टिसिपल सेंटेंस। तो मैंने अभी आपको बताया था जब दो सब्जेक्ट ए जैसे होते हैं फर्स्ट और सेकंड वाले में, तो पहले वाले सब्जेक्ट को हटा देते हैं, तो यहाँ से ये हट जाएगा। क्या लगाना आपको सबसे पहले? क्रिया के थर्ड फॉर्म के साथ हैविंग, तो सबसे पहले लगाना आपको हैविंग, यहाँ पे थर्ड फॉर्म रिटन अ लेटर कॉमा आई पोस्टेड इट। अभी मैंने आपको क्या बताया था, इससे पहले कर या करके निकलता है परफेक्ट पार्टिसिपल का जो हिंदी अर्थ है। अब कैसे निकलेगा देखिए, एक पत्र को एक पत्र लिख करके, एक पत्र लिख करके, करके एक पत्र लिख करके, करके शब्द आ गया, मैंने उसे पोस्ट किया, एक पत्र लिख करके मैंने उसे पोस्ट किया। आ रहा ना समझ में सब फ्रेंड्स? जिसको समझ में आ रहा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए आगे देखिए, अब इस तरह के पार्टिसिपल्स में कुछ अदर टाइप्स भी आते हैं, वो किस तरह से आते हैं देखिए। अगर इज आर एम वॉज वर, अगर इसके बाद कोई एडजेक्टिव लगाओ, इज आर एम वॉज वर, अगर इसके बाद कोई एडजेक्टिव लगा रहता है तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए, सॉरी, तो इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए बींग लगाते हैं। इज आर एम वॉज वर बींग, वॉज वर प्लस एडजेक्टिव, इस तरह का कोई आता है तो उसके स्थान में इज आर एम वॉज वर के स्थान में लगाना है बींग। जैसे आई वॉज थर्स्टी, मैं प्यासा था, आई ड्रैंक वाटर, मैंने पानी पिया। तो देखिए इसमें दो सब्जेक्ट एक जैसे हैं, ये तो यहाँ से पहला सब्जेक्ट हट जाएगा, तो इज आर एम वॉज वर कुछ भी आता है उसके स्थान में क्या लगाना आपको? बींग लगाना है, बींग थर्स्टी, उसके बाद कॉमा आई ड्रैंक वॉटर। कैसे याद रखना आपको? जहां एज आर एम वॉज वर प्लस कोई एडजेक्टिव आता है तो आपको उस स्थिति में बींग लगाना है। तो बींग थर्स्टी, वॉज के स्थान बींग लगा दिया, आई क्यों हटा दिया? क्योंकि दो सब्जेक्ट जब एक जैसे होते हैं तो पहले सब्जेक्ट को हटा देते हैं। बींग थर्स्टी कॉमा, कॉमा इसलिए लगाया, दूसरे सेंटेंस जोड़ रहे हैं, आई ड्रैंक वाटर। क्लियर फ्रेंड्स? आगे देखिए फ्रेंड्स, सेकंड रूल है इसी का, अदर टाइप्स का। अगर वो वाक्य पैसिव वॉइस में होता है, अगर वाक्य पैसिव वॉइस में होता है तो आपको लगाना है हैविंग बीन। क्या लगाना है? हैविंग बीन। जैसे ही वॉज पनिश्ड बाई हिज टीचर, ही वॉज पनिश्ड बाई हिज टीचर फुल स्टॉप, ही फेल्ट सॉरी। अब देखिए यहाँ पर बाई लगाए, यहाँ पर क्या लगाए? बाई, बाई लगाए तो क्या हो गया? ये पैसिव वॉइस हो गया। जब पैसिव वॉइस में दिया जाएगा तो आपको क्या लगाना है? हैविंग बीन। क्या लगाना है? हैविंग बीन। तो सबसे पहले क्या लगाना पड़ेगा आपको? जब दो सब्जेक्ट एक जैसे होते हैं तो पहले सब्जेक्ट को हटा देते हैं। देखो यहाँ पर ही वॉज पनिश्ड बाय हिज टीचर, ही फेल्ट सॉरी। अब यहाँ पर एक सब्जेक्ट ये है, दूसरा सब्जेक्ट ये है, तो पहले वाले सब्जेक्ट को हटा देंगे, तो यहाँ से हटा दिया, तो वॉज वर आया है, उसके स्थान पर क्या लगाना आपको? हैविंग बीन। यहाँ पर हैविंग बीन क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि वाक्य पैसिव वॉइस में। अब पैसिव वॉइस में किस तरह से पहचानेंगे? बाई लगा होगा और उसके साथ में थर्ड फॉर्म लगी होगी, और इज आर एम वॉज वर इस तरह से लगा होगा। क्लियर? अब हैविंग बीन पनिश्ड, पनिश्ड हो गया बाय हिज टीचर, बाय हिज टीचर, उसके भी क्या लगा लाएंगे? कॉमा, ही फेल्ट सॉरी।
आपको बॉज वर्ब के स्थान में क्या लगाना है, हैविंग बीन पनिश्ड बाय हिज टीचर, फिर इसके बाद कॉमा लगाइए, ही फेल्ट सॉरी। क्लियर फ्रेंड्स, क्लियर हो गए ना फ्रेंड्स? आशा करता हूँ आपको सिंथेसिस का सेकंड चैप्टर समझ में आया हुआ। अगर फ्रेंड्स ये आपको टॉपिक अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को अभी लाइक करें, शेयर करें। फ्रेंड्स अगर आप सिंथेसिस या कोई अन्य कंपटीशन एग्ज़ाम्स का वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब भी कीजिए। फ्रेंड्स मिलता हूँ अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।